नेक्स्ट हम 12.7 स्टार्ट करनी है। 12.7 में जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 4, 5 और 6, इसमें हम ट्रायंगल को कंप्लीट करते थे। ट्रायंगल कंप्लीट करने का मतलब यही था कि साइड और एंगल मिसिंग होते थे, वो हम फाइंड करते थे। नेक्स्ट अभी 12.7 में हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। इसकी भी डिफरेंट कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास सबसे पहले टू साइड वन एंगल गिवन हो, टू साइड और वन एंगल गिवन हो, तो हम इसके लिए जो ट्रायंगल का फार्मूला है ना एरिया, वो हम ये यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास टू साइड गिवन है बी और सी, तो मैं लिखूंगा 1/2 BC। एंगल मेरे पास अल्फा गिवन है तो मैं लिख लूंगा साइन अल्फा। इसी तरह ये भी हो सकता है कि मेरे पास ए और सी गिवन हो, तो जब ए सी गिवन होंगे तो यहाँ पे मैं बीटा लिख लूंगा। ये भी हो सकता है मेरे पास ए और बी गिवन हो, जब ए बी गिवन होंगे तो यहाँ पे मैं गैमा लिख लूंगा। इनमें से कोई एक फार्मूला यूज हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, डिपेंड करता है कौन सी साइड और कौन से एंगल गिवन है। इसी तरह केस नंबर टू है, इसमें व्हेन टू एंगल एंड वन साइड, जब टू एंगल और वन साइड गिवन होंगे तो फिर हम इसके लिए जो एरिया का फार्मूला है ना, वो हम ये यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइड मेरे पास ए गिवन है तो ए स्क्वायर, एंगल गिवन होगा बीटा एंड गैमा डिवाइडेड बाय, अल्फा नहीं गिवन तो 2 sin α आ जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास साइड गिवन है बी, तो बी स्क्वायर, एंगल गिवन होगा अल्फा एंड गैमा, तो नीचे आ जाएगा 2 sin β। ये भी हो सकता है कि मेरे पास साइड गिवन हो सी, तो सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे आ जाएगा 2 sin γ। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब हमारे पास टू साइड वन एंगल, फर्स्ट था कि जब टू साइड वन एंगल हो तो हम ये करेंगे, अगर टू एंगल वन साइड है तो ये वाला यूज करेंगे। ये भी हो सकता था कि थ्री साइड आर गिवन, जब तीनों ही साइड गिवन हो। तो फिर हम ट्राइंगल का ये फार्मूला यूज करेंगे, डेल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का अंडर रूट। एंड एस हमें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं जो कि हम 12.7 में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम इनकी एग्जांपल देखते हैं हर एक की सेपरेट करके, जैसे इस समय 12.7 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं करता हूँ पार्ट नंबर 2 अगर मैं करूँ, इसमें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास B गिवन है 37, C गिवन है 45 एंड अल्फा गिवन है 30° एंड 50 मिनट। तो अगर इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास टू साइड गिवन है, वन एंगल गिवन है, तो जब टू साइड वन एंगल गिवन हो तो हम जो ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला है वो ये यूज़ करेंगे, 1/2 BC एंड साइन अल्फा, क्योंकि बी और सी साइड गिवन है, एंगल अल्फा गिवन है, तो 1/2 साथ बी सी और साइन अल्फा हमने यूज़ कर दिया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 1/2 B इज़ 37, सी इज़ 45 एंड अल्फा इज 30° एंड 50 मिनट। तो जब इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं
37 into 45 into sine 30 degree and 50 minute divided by 2. तो ये मेरे पास इसका जो एरिया है वो आ गया 426.69. ये था कि जब टू साइड और थर्ड एंगल है, फॉर एग्जांपल कोई भी, फॉर एग्जांपल ए और सी गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 AC एंड साइन बीटा, एंगल हम थर्ड का यूज़ कर लेंगे. अब इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं अगर देखता हूँ फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. बी की वैल्यू है 25.4 एंड गैमा है 36 डिग्री एंड 41 मिनट एंड अल्फा इज 45 डिग्री 17 मिनट. तो अगर इसको देखें तो फार्मूला, सबसे पहले हम टू एंगल गिवन है, वन साइड गिवन है, तो इसके लिए जो हम एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, साइड कौन सी गिवन है, बी वाली, तो बी स्क्वायर. एंगल कौन से गिवन है, हम लिखेंगे साइन गैमा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, जो नहीं गिवन वो हम रिमेनिंग नीचे लिख लेंगे, टू साइन बीटा, ये फार्मूला यूज़ होगा. तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 25.4 स्क्वायर एंड साइन 36 डिग्री 45 मिनट साइन 45 डिग्री एंड 17 मिनट डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा. बीटा अगर देखेंगे तो बीटा गैमा भी गिवन अल्फा भी गिवन है, इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, 36 डिग्री 41 मिनट प्लस 45 डिग्री एंड 17 मिनट, प्लस करके हम 180 में से माइनस कर देते हैं, तो अल्फा मेरे पास आ रहे हैं 98 डिग्री एंड 2 मिनट. इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, 25.4 स्क्वायर इन टू साइन 36 डिग्री 41 मिनट इन टू साइन 45 डिग्री 17 मिनट डिवाइडेड बाय 2 इन टू साइन 98 डिग्री एंड 2 मिनट. तो टोटल आंसर मेरे पास इसका जो एरिया है वो आ रहा है 138.29. ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि अगर मेरे पास टू साइड वन एंगल गिवन है तो मैं एरिया कैसे फाइंड करूंगा. देन अभी हमने डिस्कस किया है टू एंगल वन साइड गिवन है तो एरिया कैसे फाइंड करना है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में है जब तीनों ही साइड गिवन हो, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास 18 है, बी मेरे पास 24 है एंड सी मेरे पास 30 है, तीनों ही साइड गिवन है. तो जब तीनों ही साइड गिवन होंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मैंने आपको बताया है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का अंडर रूट. सबसे पहले इसके लिए हमें s फाइंड करना पड़ेगा. एज वी नो s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के इक्वल होते हैं. 18 प्लस 24 प्लस 30 ओवर 2, इन सबको हम डिवाइड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे. थर्टी सिक्स आ रहे. अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, एस इज 36 माइनस, सबसे पहले 36 आएगा, फिर 36 माइनस 18
36 माइनस 24, 36 माइनस 30, जब इसे सॉल्व करेंगे 36 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 6 एंड अंडर रूट आंसर, तो इसको हम सॉल्व करके इसका जो एरिया है 216 के इक्वल आ रहा है। ये तीनों केस हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर वन में हमने डिस्कस किया है टू एंगल वन साइड, क्वेश्चन नंबर टू में डिस्कस किया है टू एंगल वन साइड, एंड क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने डिस्कस किया है व्हेन थ्री साइड आर गिवन, तो एरिया हमने किस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट अगर हम इस पर आएँ, क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास एरिया पहले से ही गिवन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया पहले से गिवन है 2437, साइड गिवन है 79, साइड गिवन है 97 एंड बीटा हमने करना है फाइंड। तो अगर इसमें देखें टू साइड वन एंगल का फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 BAC एंड साइन बीटा, ट्राइंगल 2437 है, ए 79 है, सी 97 है एंड साइन बीटा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, टू फोर थ्री सेवन इसका आंसर आ रहा है 3831.5 इक्वल टू साइन बीटा। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है साइन बीटा हमारे पास आ रहा है 0.6360, ये साइन बीटा की वैल्यू आ रही है। हम बीटा फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये इस साइड पर जाके साइन इनवर्स आ जाएगा, शिफ्ट साइन इनवर्स, डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे तो बीटा आ रहा है 39 degrees 29 minutes। ये एरिया पहले से गिवन था तो हमने क्या एरिया की वैल्यू पुट किया और यहाँ से इसको सॉल्व करके हमने बीटा फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर फाइव पर आएँ तो क्वेश्चन नंबर फाइव में भी एरिया हमारे पास गिवन है टू एंगल और वन साइड, टू एंगल वन साइड का फार्मूला लगाएंगे एरिया की प्लेस पे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास गैमा एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर सिक्स में, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 meters इफ टू कॉर्नर एंगल आर दिस एंड दिस, इसमें भी वन साइड गिवन है, टू एंगल गिवन है, वन साइड टू एंगल का जो हमने फार्मूला लिखा था वो हम यूज़ करेंगे, जो उसका एरिया आएगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ आर एस 5 per square meter, एक स्क्वेयर मीटर पे 5 लगता है, तो हमने तो टोटल पे फाइंड कर दें, जो इसका एरिया आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सिक्स सॉल्व हो जाएगा।